पापा बुखार है छोटा है लेकिन खांसी ना इतना खांसी है ना सूखा खांसी है इनको जो है ना कुछ दिन पहले पूरा एकदम बुखार आ गया था तो पूरा एकदम कांपने लगे एकदम बुखार से तो फिर ले गए हॉस्पिटल गांव वाला हॉस्पिटल ही ले गए तो पता नहीं इन लोग के आते ही क्या चीज हो गया रंगीला सोनम को आते ही एकदम तो अब पता नहीं अब इलाज तो करवाना ही पड़ेगा बड़ा हॉस्पिटल में देख। हेलो दोस्तों प्यार भरा नमस्कार कैसे आप लोग आशा करते हैं अच्छे स्वस्थ रहे मत नए वीडियो में स्वागत है। हेलो दोस्तों प्यार भरा नमस्कार स्वागत है न्यू वीडियो हेलो दोस्तों प्यार भरा नमस्कार कैसे आप लोग आशा करते हैं अच्छे स्वस्थ रहे मत रहे अपने अपने जिंदगी में खुश रहे। तो दोस्तों अभी दोपहर हो चुका है और अभी हम लोग घर से आए हैं बारी और बारी में देखिए अभी पानी पटा रहे हैं अभी पानी पटा रहे हैं भैया देखिए फोड़ रहे हैं इधर से नाला में पानी जा रहा है देखिए दोस्तों रंगीला पापा पास जा रहे हैं कितना पटा है देखते हैं अभी कब से पटेगा कितना पटा है साइड में चलिए लक्ष्मी भी आ गई है राहर खाते खाते देखिए अभी खाते हैं मुंह में ए मुस्कान है कैसे देखिए भाभी और लक्ष्मी आगे आगे चल गए और देखिए भैया इतना पटा लिए हैं एकदम पूरा आधा बारी पट गया है थोड़ा सा बाकी है ना भैया इधर बाकी है सब पट ही जाएगा इधर माटी हाँ ये माटी उठा दीजिए इधर ऊंचा हो गया है हाँ। अच्छा से आलू कटेगा कितना जल्दी फास्ट टेका गया था पानी तो टेका जाता है तो आज दूसरा बार पटा रहे हैं दोस्तों हम लोग पानी सुबह से ही लगे हुए हैं कभी लाइन कट जाता है कभी क्या होता है पूरा एकदम देरी हो गया है तो देखिए इतना पटा लिए हैं इधर और इधर बाकी है अब थोड़ा सा बाकी है चलते हैं फटाफट उधर फोड़ देते हैं है ना सुनो हाँ। देखिए पानी उधर ओवर जा रहा है इसको अब यहाँ पर टेक देंगे इधर चला जाएगा देखिए पानी एकदम हाचाचल कूदल जा रहा है नाला में यहाँ पर हल्का ऊंचा हो गया है अब सारा पानी इधर चला जाएगा पूरा एकदम हाथा चल जा रहा है ना हाँ। दूसरा बार पटा रहे हैं ना तो पहला बार पटाए थे ना उस समय पूरा एकदम देरी होता था पटाने में अब जल्दी हो जा रहा है एकदम फटाफट बोल रहे हैं आज हाथ चल बोल रहे हैं हाँ मतलब फटाफट भी पट रहा है वहाँ जा गई इसमें नहीं जा रहा है इसमें टेका हुआ है थोड़ा सा चला जाएगा तो ये झोरा भी पट गया है दोस्तों अब यहाँ पर फोड़ देते हैं एक बार में चार को पटते हैं ना हाँ चार को नहीं तीन को फोड़ दिए हैं यहाँ पर चार को होने से ना फूटने लगता है इसलिए तीन को का नाला बनाए हुए अभी तक पटल रहा था लेकिन ना कभी लाइने कट जा रहा है कभी इधर फूट जा रहा है कभी इधर बैल बकरी सब अंसाता है वही सब में दिक्कत हो जाता है देखिए भैया कितने जल्दी जल्दी पटा रहे हैं एकदम हाँ। इधर ओवर हो गया भैया हाँ। इसमें आ गया थोड़ा घट घटी हो गया है हाँ। हम लोग इसको गांव देहात में ना घट घटी बोलते हैं नहीं वहाँ पर भी मत फोड़ दीजिए नहीं तो वहाँ पर गलती हो जाएगी नहीं कुछ नहीं होगा क्योंकि नाला एक बराबर नहीं है कहीं पर ज्यादा कूदने लगता है पानी कहीं पर कम उसी से ऐसा होता है देखिए ये वाला पट गया और ये सब बाकी है अभी तक बाकी यहाँ टेक दीजिए यहाँ इसको इस तरह से टेकेंगे इधर पानी चला जाएगा ये नाला भी पट गया दोस्तों अब फिर फोड़ते हैं इस तरह से फोड़ फोड़ के पानी पटाना पड़ता है तब जाके सही से पड़ता है नहीं तो पूरा इधर उधर फूटने लगता है तो देखिए हम लोग का कुछ कुछ बीजा निकल गया है दोस्तों ये देखिए एक ही पटावन में निकल गया है पिछले बार हम लोग पटा दिया ना बढ़िया तरह से तब पूरा निकल गया है तो अब हमारा कुछ ही देर में पटा हुआ हो जाएगा दोस्तों पानी देखिए इस तरह से पटा लिए हैं एकदम
उधर पूरा पट गया है, अब इधर बाकी है थोड़ा सा, इसको भी पटाना है, अब कुछ देर में पट जाएगा। और इधर देखिए दोस्तों, कविता जी और सोनम बैठे हुए हैं और लक्ष्मी पूरा खेल रही है। क्या लक्ष्मी? राहर खा रही है? अच्छा, मजा आ रहा है? अच्छा खाओ खाओ, उधर मत जाओ, उधर मत जाओ, वो खराब हो जाएगा, पानी नहीं पटेगा उधर, उधर ही रहो। और आज का मौसम देखिए दोस्तों, कितना एकदम अंधेरा टाइप का कर दिया है, ये देखिए एकदम पूरा बादल ढका हुआ है, धूप ही नहीं उग रहा है आज सुबह से। देखिए हल्का हल्का धूप उगा हुआ है, लेकिन काफी ठंडा लग रहा है अभी भी। क्या सोना? पूरा कोहरा कर दिया। हाँ, सुबह में तो एकदम पूरा दिखता ही नहीं है, इतना अंधेरा कर देता है। तो अभी थोड़ा बादल साफ किया हुआ है, तो धूप वगैरह उग गया है, तो अभी पानी पटा ही रहे हैं। तो पूरा बारी पानी पट गया दोस्तों, सिर्फ दो नाला बाकी रह गया, इसको भी पटा ही लेते हैं। लाइन कट गया था, नहीं तो पट जाता। देखिए अभी आ रहा है पानी, तो पटा लेते हैं दो नाला, उसके बाद में चलेंगे। शाम भी हो गया पटाते पटाते, सुबह से लगे हुए हैं लेकिन अभी तक देखिए पट नहीं पाया है। इसी तरह से बीच बीच में लाइन कटते रहता है, इसीलिए हम लोग का दिक्कत हो गया है, नहीं तो अभी तक पट जाता है एकदम। और इधर देखिए दोस्तों, लक्ष्मी को क्या कर रही है? हल्दी लगा रही है। क्या कर रही है लक्ष्मी? हल्दी लगा रही है। अरे बाप, हल्दी लगा रही है? कोई हल्दी लगाने वाला नहीं है, अपने से लगा रही है। लगन हो गया इसका, अब शादी भाई। देखिए कविता जी कैसे खुश हो रही है इधर, पूरा एकदम हंसने में एकदम व्यस्त है, एकदम इतना हंसी आ रहा है ना भाभी को। लक्ष्मी इधर गंदा हो रही है और अपने हंस रही है। है जी, है लक्ष्मी, मम्मी ध्यान नहीं देती है? चलो 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 धो देंगे, चलो। ये तेरा व्यस्त है एकदम लगाने में, एकदम इसको अच्छा लग रहा है, मालिश कर रही है, गिरिया का उधर पूरा मजा आ रहा है, बड़ी खुश हो रहा है। अब और वहाँ जाकर ले सकेगी, पूरा लक्ष्मी गंदा हो गई कादो से। अभी आए हैं धोने के लिए लक्ष्मी को, देखिए हम धो देंगे। तो पूरा बारी पानी पटा लिया दोस्तों, अब चलते हैं, खाना पीना अब हम लोग बनाते हैं। क्या सुनो, चलिए आइए। पटाते पटाते पूरा शाम हो गया, तब जाके पटा पाए हैं, सुबह ही से लगे हुए हैं, लेकिन इतना ज़्यादा देरी लगा ना, कभी लाइन कट जा रहा है, कभी उधर फूट जा रहा है, किधर पाइप घुमाना पड़ता है, वही सब में लेट लग गया। तो पूरा पट गया है, अब सीधे चलते हैं घर। और देखिए दिनों दिन और भी गजार होते जा रहा है राहर, है ना जी। और देखिए पूरा एकदम गादर हो गया है, पूरा एकदम, ये देखिए ये सब ना पूरा गादर हो गया है, अब कुछ दिन में पक जाएगा, दाल स्पेशल बनेगा। आइए जल्दी आइए, चलो बाबू, चलो चलो चलो। तुम कहाँ आया था इधर? फालतू में आया है। तो घर हम लोग पहुंच गए दोस्तों, और इधर देखिए माँ अभी क्या चीज कर रहे हैं, कर रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, पानी भरने जा रहे हैं। हम चालू कर, हाँ भरिए भरिए, अभी लाइन है, नहीं तो फिर कट जाएगा, तो फिर पानी नहीं भराएगा। तो कुदाल वगैरह रख दिया दोस्तों साइड में, अब चलते हैं, पैर हाथ धोते हैं। फूफा जी चालू कर दिए हैं मशीन, और इधर देखिए सोनम अभी धो रही है। क्या सोनम? हाँ, देखिए वो टप में भर गया है पानी, इसको चेंज कर देते हैं। ये बाप, पानी से डर लगता है, इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा इसका। हाँ, बोला धोनी के धोनी थोड़ा सा कुछ बिखराया हुआ नहीं है ना? नहीं। अरे बाप, तैर हो जा बाबू, बड़ी ठंडा है पानी। अच्छा से वैसे मत करो, वैसे मत करो। हाँ तो दूसरा साइड करो ना, उधर 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 हटाओ हाथ। तो हम पैर हाथ धो लिए दोस्तों, और अभी देखिए कविता जी धो रहे हैं, और सोनम भी अभी तक धोए रही है, नहीं हुआ है सोनम? हो गया ना? चलिए, और आपका जी? नहीं हुआ है, तो जल्दी कीजिएगा ना।
तो सभी को पैर हाथ धो लिए दोस्तों बढ़िया तरह से। अब चलते हैं हम लोग खाना पीना बनाते हैं। और देखिए सोनम फिर घूम गई, क्या छूट गया सोनम? आइए 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 जल्दी खाना पीना बनाते हैं, आग वगैरह जलाते हैं। चलिए देखिए पूरा शाम हो ही गया है दोस्तों, बेरा पूरा डूब गया है। और इधर कौन सोए हैं जी? पापा हैं। इनका बुखार अभी भी नहीं छूटा है पापा? बुखार नहीं छूटा है? बुखार तो छूटल है लेकिन ठंडवा में अभी तो बुखार नहीं है। ठंडवा में परेशानी लगता है। ठंडवा है ना, ठंडवा असर कर देता है। पहन के रहिए जैकेट वगैरह पहन लीजिए। हाँ, जैकेट पहन के सोइए। बहुत ज्यादा ठंडा है। अभी हम लोग धोए ना पूरा एकदम सुन हो गए, मर दिया है। अब हम लोग थोड़ा सा सेकाएंगे। उठिए चाय वगैरह बना देते हैं। चाय बना दे? बनाइए। हाँ चलिए चाय वगैरह बना देते हैं, है ना। हाँ। और आप लोग का काफी सारा कमेंट आ रहा था दोस्तों पापा के रिलेटेड कि पिताजी को क्यों नहीं देते हैं जैकेट वगैरह, इतना ठंडा भीना देता है उनको, बुखार आ गया है फिर भी दवा वगैरह नहीं करवाते हैं। तो पिताजी बोल रहे हैं ना मामूली सर्दी बुखार है, इसीलिए दूसरा जगह नहीं जाने के लिए खोज रहे हैं बड़ा हॉस्पिटल में। तो गांव का हॉस्पिटल में दिखा दिए हैं और डॉक्टर भी आते हैं यहां पर गांव वाला, तो वही सब चेक वगैरह करते हैं। तो दवा वगैरह सब दे दिए हैं, खा रहे हैं। तो थोड़ा सा ठंडा बढ़ा दिया है ना हमारे इधर, इसलिए इनको जो है मतलब बर्दाश्त नहीं होता है, तो वही सब मतलब ढका करके सो गए हैं। ये खांसी ना, इतना खांसिया है ना, सूखा खांसिया है, बहुत खांसते हैं। इनको जो है ना कुछ दिन पहले पूरा एकदम बुखार आ गया था, तो पूरा एकदम कांपने लगे एकदम बुखार से। तो फिर ले गए हॉस्पिटल, गांव वाला हॉस्पिटल ही ले गए, मतलब गांव से थोड़ा दूर में, मतलब गांव का ही मतलब हॉस्पिटल है, तो वहीं पर ले गए। तो वहां पर दवा पानी सब दे दिया है, तो वही वाला अभी खा रहे हैं। और खांसी इनका जो है ठीक नहीं हो रहा है, ये खांसते रहते हैं। अब पता नहीं इनके लिए कौन सा दवा ठीक रहेगा, आप लोग अगर जानकारी होगा आप लोग को तो कमेंट में जरूर बताइएगा, वो दवा ले लेंगे। टेबलेट ज्यादा दिए हैं, टेबलेट है काई ठो खाए हैं और दो पत्ता बांचते हैं, पांच टेबलेट बांचते, चार टेबलेट। हाँ अभी खा लेंगे फिर। और इधर देखिए दोस्तों रंगीला भी आकर के बैठा हुआ है, अभी देखिए दुकान से क्या क्या चीज लिया हुआ है। देखिए बिस्कुट लिया है, इधर चना वगैरह लिया है। ये लोग जब से आए हैं ना रंगीला और सोनम, उसके बाद से इनका जो है ज्यादा तबियत खराब हो गया है। थोड़ा मोड़ा तबियत खराब हुआ था लेकिन आने के बाद में ज्यादा ही तबियत खराब हो गया है। तो पता नहीं इन लोग के आते ही क्या चीज हो गया रंगीला और सोनम को आते ही एकदम, तो अब पता नहीं, अब इलाज तो करवाना ही पड़ेगा, बड़ा हॉस्पिटल में देखेंगे, एक दो दिन देख लेंगे और उसके बाद में बड़ा हॉस्पिटल ले जाएंगे दवा करवाने के लिए। क्या पिताजी? उठने घाव। अब पता नहीं इनका जो है क्या था, रंगीला और सोनम जैसे ही आए उसके बाद में पता नहीं क्या जो हो गया, मतलब पूरा मतलब इनको जो है कांपी टाइप का होने लगा एकदम, पूरा बुखार एकदम चढ़ गया। तो वही सब मतलब कांपते जो है पूरा एकदम खांसी भी पकड़ लिया और उसी में पूरा इनको जो है मतलब तबीयत खराब कर दिया। और आप लोग को बहुत आदमी को विश्वास नहीं होता होगा दोस्तों, ये लोग सिर्फ वीडियो ही बनाते हैं, कुछ ऐसा होता नहीं है और ऐसे ही वीडियो बनाते रहते हैं। तो आप लोग को दिखा दे रहे हैं, ये देखिए यही सब दवा ले दिए हैं पिताजी के लिए खाने के लिए। देखिए सब खांसी का दवा है, बुखार का भी दवा है, सब तरह का दवा है यहाँ पर। तो यही वाला यूज करते हैं अभी, उसके बाद में देख लेंगे कुछ दिन, उसके बाद में फिर ले जाएंगे बड़ा हॉस्पिटल में। तो अब चलते हैं दोस्तों, पिताजी को पहले गर्मा गर्म चाय बना करके देते हैं कोल्की आदि वाला, उसके बाद में फिर हम लोग खाना पीना बनाएंगे, है ना सोनम? तो चलिए आज के ब्लॉग यहीं पर रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय।